अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेलो, लोकस, इनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। अक्सर आपको फोन कॉल आते हैं और ये कहा जाता है आपको 2 घंटे में, 2 दिन में लोन मिल जाएगा बिना किसी तामझाम के। और अक्सर ऐसा देखा भी गया है लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। दरअसल इसमें इतनी सहूलियत बताते हैं, ग्राहकों को लगता है इससे अच्छा सहूलियत और पैसे नहीं मिल सकते। और फिर लोन तो मिलता नहीं, मगर उनके पास से लोन प्रोसेस के फीस यानी 5,000-10,000 रुपये भरवा लिए जाते हैं। अब लोन तो मिला नहीं, लेकिन पास से भी पैसा भरवा लिया जाता है, यानी कंगाल कर दिया जाता है। लोन एम्प्लायर वो जो है मालामाल हो जाता है, क्योंकि उनके पैसे प्रोसेसिंग के जो फीस है वो उनके पास आ जाते हैं। आज मैं जो खबर बतलाने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, दूसरों को समझाने की ज़रूरत है। आज देश में कितना बड़ा स्कैम चल रहा है अक्सर आप सुनते हैं, मगर फिर भी फ्रॉड स्कैम का शिकार बन जाते हैं। आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, हर कुछ आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है। एक फ़ोन पर आपके अकाउंट से लाखों रुपए पल भर में गायब हो जाते हैं। ऐसे वाक्या हमारे और आपके बीच अक्सर आते हैं। बैंक का नाम बताकर, बैंक मैनेजर का नाम बताकर आपसे बात करते हैं और कहते हैं आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, अपना पिन नंबर बताओ, और आप बिना कुछ सोचे समझे एटीएम के सारी जानकारी बता देते हैं और फिर पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। आज जो मैं खबर आगे बतलाने वाला हूँ वो एक कंपनी से रिलेटेड है, जो फ्रॉड कंपनी है मुंब्रा के। कई लोग जो है इसके चपेट में आए हैं, यानी 10 लोगों के साथ लोन के नाम पर ठगी हुई है। आज आप देखेंगे, पहले आप सबको याद होगा एक कॉल आता था, वो ये लक्की ड्रॉ, जिसमें टाटा सफारी, सोमो कार लक्की ड्रॉ में निकला हो और लोग काफ़ी मतलब खुश हो जाते थे और फिर इतनी सहूलियत की बात करते थे, कहते थे कल आपके घर पर कार पहुंच जाएगी, लेकिन इस नंबर पर 25,000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस भरो। कुछ बिना समय गंवाए 25,000 भरकर कार का इंतज़ार करते हैं ग्राहक, लेकिन कार आती ही नहीं है। फिर समझ में आता है मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। अब एटीएम बंद का नाम लेते हैं, आप सावधान हो जाएं। इसके पहले इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां आई और चली गई। क्यों आई? क्योंकि उन्हें आपका पैसा ऐंठना था। और क्यों चली गई? क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया। तो आप सावधान रहें, डिजिटल का जमाना है, आपके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब बात करते हैं मुंब्रा शहर की। लॉकडाउन के दौरान लोगों पर काफ़ी मुसीबत आई और लोग परेशान होकर लोन के लिए अप्लाई किया। एक नामी ग्रामी अल्फा बिजनेस कंपनी जो लोन देने का काम करती है, इसके जगह जगह एम्प्लायर एजेंट बनाए गए हैं जो लोगों को लोन दिलाने का काम करती है। कंपनी देहरादून की है, 10 महिलाएँ वो जो मुंब्रा शहर की हैं, वो 10 महिलाएं जो है अप्लाई किया था। लोन का प्रोसेसिंग फीस 10,000 के आसपास उनसे लिया भी गया, कंपनी से अप्रूवल भी आया। 5 लाख का जो है जो लोन था उसका प्रोसेसिंग जो होता है वो पूरा हो गया। 5 महीना बीत गया लेकिन पैसे नहीं आए खाते में। महिलाएं एजेंट को फ़ोन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ नीलोफर जो कि लोन देने वाली एजेंट है वो खुद कंप्लेन देने पहुंची मुंब्रा पुलिस स्टेशन में। यानी ये उल्टा हो गया। बहरहाल ये महिलाएं 10,000 रुपये दिए थे अलग अलग, यानी 90,000 रुपये, कोई 5 लाख लोन लेने की जो है अप्लाई किया था तो कोई जो है 4 लाख लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन लोन उनको नहीं मिला। उनके घर पर अप्रूवल जो आता है वो आ चुका है, बैंक में पैसे नहीं आए हैं। ये नीलोफर पोपट वाला इनका नाम है, जिन्होंने 10 महिलाओं को लोन दिलाने का सपना दिखाया था। सुनिए इन महिलाओं का क्या कहना है। क्या नाम है आपका और आज आप लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए हैं, क्या मामला है, क्या कहेंगे आप?
देखिए भाई, ये एक फ्रॉड का मामला है लोन के रिलेटेड। मेरा नाम सोहेल जुल्फिकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव हूँ माइनॉरिटी मोर्चे का थाना जिला का। इसके अंदर मुझे ये बताना है कि हमारी महिला अध्यक्ष शाइस्ता कुरैशी माइनॉरिटी मोर्चे की, उनके पास एक ये महिलाएं आई थी जो 10 महिला है जिनको फ्रॉड किया गया है लोन के नाम पर, जो 10,000 रुपये लिए गए हैं। इसकी लिस्ट मेरे हाथ में है, ABS करके कंपनी है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय करके बताई जा रही है जिनका नाम है नीलोफर पोपटवाला। ये उनका आईडी कार्ड है, ये लेडीज़ का आईडी कार्ड है। अब इन्होंने सबको यहाँ पे जमा किए थे, लोगों को बताया था कि लोन मिलेगा, आप लोग 10,000 रुपये जमा कीजिए, आपको 2 दिन में लोन मिल जाएगा। ये बात है अगस्त महीने की, सितंबर महीने में कुछ डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं और उसके बाद भी आज तक के प्रोसेसिंग करके बता रहा है लोन, लेकिन लोन का अमाउंट या कोई भी चीज़ के रिजेक्ट हुआ है कि अप्रूव्ड हुआ है, लेटर तो सबके अप्रूवल के आए हैं, लेकिन अप्रूवल के बाद भी 6 महीना होने को आ गया है, किसी को लोन नहीं मिला है। तो मेरे साथ अभी यहाँ पे कुछ लेडीज़ है, हमारी महिला अध्यक्ष है, और ये सब अभी आपको बताएंगे कि क्या वाकया हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये कैसे मतलब जो है आप लोग को लोन लेने की बारी आई, मतलब आपको जरूरत क्या पड़ा था कि आप लोन लेने पहुंच गए क्या? नहीं, वो हमारे घर पे आके बोली कि ऐसा लोन मिल रहा करके, तो हम लोग भी ट्राई किए कि लोन मिलेगा मतलब करके। हाँ, तो महिला आके बोली। हाँ हाँ, महिला का नाम क्या है? नीलोफर। नीलोफर, नीलोफर पोपट वाला। नीलोफर पोपट वाला। जो है आपको पैसे की कमी थी, लोन लेना था, तो आप बता रहे 10,000 रुपये वो काई का दिए आप लोग? हम लोग भी उसको इसका दिए, क्या बोलते हैं, लोन का दिए, प्रोसेसिंग फीस। अच्छा, वो दिए कितना टाइम हो गया? हो गया 5 महीना हो गया। 5 महीना? हाँ। और लोन का प्रोसेस हो गया, बता रहे हैं जो है आप इसकी मतलब वो अप्रूवल भी आ गया। हाँ, आया? नहीं नहीं, अप्रूवल लेटर, अप्रूवल लेटर आया, पैसा नहीं दिया अप्रूवल लेटर। ये होके भी 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना हो गया? हाँ हाँ हाँ। 8वें महीने में आएगी। क्या नाम है आपका? तबाना रिया से। आपके साथ क्या हुआ है? मैंने भी 10,000 दी हूँ नीलोफर पोपट वाला। अच्छा। हाँ, तो मैं हम लोगों भी बनाया गया 10,000 लेके, बोले लोन दिलाती हूँ 5 लाख का। तो आपने पैसा भी कितना दिया है? 10,000 दी हूँ सर। 10,000 लेके कितना दिन आपको हो गया? 5 महीना हो गया। 5 महीना जी। ये कैसे मतलब पता चला कि ये मतलब फ्रॉड है या क्या है? सामने से कॉल ही नहीं उठा रहे, बात ही नहीं हो रही है, हम लोग को जवाब ही नहीं दे रहे, हम लोग मैसेज मिले तो गाली दे रही है, ऐसा कर रही है, अभी भी पुलिस चौकी में आए तो गाली दे रही है फेस टू फेस, और सर लोग भी कुछ कर रहे नहीं। आप जो है अभी फिलहाल जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में आई है और लगभग 10 से 12 यहाँ पर महिलाएं हैं, इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी है, क्या इनके साथ धोखाधड़ी हुई है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता सलीम कुरैशी माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी अध्यक्ष हूँ, माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी अध्यक्ष महिला अध्यक्ष हूँ थाने जिला की। मेरी मैं सर ऑफिस में बैठी थी तो मुझे कॉल आया मेरी फ्रेंड का, सईदा खान करके है, श्रीलंका में रहते सोशल वर्कर है, उन्होंने कॉल करे ऐसा कहा है, तो मैं बोली मैं ऑफिस में जरा चौकी में आ, जरा प्रॉब्लम है। मैं बोली क्या हुआ? बोले लेडीज लोग 2 बजे से बैठी है, चौकी वाले कोई सुनवाई कर नहीं रहे और लेडीज लोग बहुत परेशान है। मैं बोले ऐसा क्या हुआ है? तो उसने फ़ोन पे नहीं बताया, मैं आ गई डायरेक्ट चौकी में आई, लेडीज लोग से जब बात वगैरह करी तो लेडीज लोग, जब मुझे मालूम पड़ा कि इन लोग के साथ धोखा हुआ है, 5-6 महीना पहला कोई ABS कंपनी है नीलोफर करके। ABS कंपनी कहाँ है? यहाँ है क्या? नहीं, मुमरा थाना अपने थाना जिला में ही नहीं है ये। अच्छा। ये कंपनी देहरादून की कंपनी है। हाँ। अभी मुझे तो ये लगता है कि कलवा में क्या हमारी मुमरा में इतनी नेशनलाइज बैंक है, वो लोन नहीं दे रही मुमरा वालों को, देहरादून वाले बैंक वाले इतने मेहरबान हो गए जो मुमरा वालों को लोन दे रहे। ठीक है, इंसान गरीब है, परेशान है, तो अपना कारोबार के लिए इन्होंने लोन लिए, घरगुजी औरतें हैं, कुछ घर का कारोबार ताकि अपने आदमी लोग के लिए, अपने बच्चों लोग के लिए हाथ भर होए, इसके लिए उन्होंने लोन लिए, कोई 10,000 करके इन्होंने पैसा दिए उसको नीलोफर करके। ऐसे लोगों से मतलब पैसे लिए गए हैं और उनको लोन नहीं दिया? ऐसे 10 अभी फिलहाल तो 10 जन है ये लोग, अपने मुमरा के श्रीलंका के ही रहवासी है ये लोग, 10 जन लेडीज लोग हैं, इन लोग से डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, घर के एग्रीमेंट, टैक्स कटी, टोटल डॉक्यूमेंट लिए गए, फोटो लिए गए हैं, और इन लोग को बोले लोन दे रहे करके प्रोसेसिंग फीस करके 10,000-9,000 ऐसा करके इनसे 90,000 रुपये वो लेडीज ने ली है अभी तक तो, और उन लोग को
अप्रूवल लेटर ये दिया है, काम का अप्रूवल लेटर वगैरह पूरा टोटली लेटर ये पूरा दिया है कि आपको पैसे वगैरह कुछ नहीं आया, पैसा आया नहीं है। बोले जब ये लोग बोले ना लेटर दिया, तो मैडम अभी 5 महीना हो गए हम लोग पैसा दे के, जब लेटर दिया है तो पैसे की कभी बोले देने नहीं, पैसे का क्या बोले 1 लाख अभी भरो तो आपको 5 लाख रुपए आएगा। तो ये लोग बोले मैडम हमने जब 1 लाख और 1 लाख भरो तो हम 5 देंगे। फिर इन लोग को जवाब नहीं दे रहे, वो लेडीज उधर ही रहती है, लोग जा रहे थे इनको गाली गलौज हो रही है, फोन पे धमकी दे रही है। और आज वो लेडीज ने खुद 2-3 बजे इन लोग को मैसेज करी फोन पे, बोलती है जिसको जिसको पैसा चाहिए मुंगा चौकी में आओ, 1 घंटे के अंदर नहीं आते हो तो मैं पैसा दूंगी नहीं, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। क्या लगता है आपको, वो लेडीज मतलब पहुंची हुई हस्ती है क्या, किस हिसाब से आप सर वो बोलती है कि तुम चौकी में आओ, अगर तुम कंप्लेंट भी डालते हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा बैग मजबूत है। अच्छा, वो ये बात बैग सपोर्ट बोल रही है ना, पीछे नीलों पर बोल रही थी ना, बैग सपोर्ट है मेरी। और इन लोग फिर मैंने इधर वरिष्ठों को मिली मुंगरा चौकी में, पुलिस ने क्या कहा है सर, बोले मैं आपने पुलिस से सर से मिली हूँ, मैं सर से मिली हूँ, वरिष्ठ पुलिस लोग यही बोले हैं कि मैडम आप अर्जी दे दीजिए तो हम लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। ये मुंबरा श्रीलंका की है, जहाँ पे इन लोग रहते हैं उसी जगह की वो भी है, तो इन लोगों से आके मिली और मिलने के बाद में जो है इन लोग को लालच दी कि मतलब तुम लोग को अगर 10-10 हज़ार रुपये भरोगे तो आप लोग को 1-1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। तो इन लोग ने भी सोचा कि मतलब कुछ लोग गरीब लोग ऐसे होते हैं कि मतलब लोन प्रोसेस करवा के या बिस्की डाल के हैवी डिपॉजिट पे घर ले ले, कुछ लालच रहती है। उसमें से एक औरत और भी है जिसका बच्चे का सर का ऑपरेशन हुआ है और वो बच्चा अभी हॉस्पिटल में था, वो लोग आ नहीं पाए। तो बाकी मतलब ऐसा ही मतलब फ्रॉड, इसके पहले भी एक केजीएन करके कंपनी आई थी, उन लोगों ने भी फ्रॉड किया। अभी जैसे पढ़े लिखे नहीं है औरतें हैं, औरतें घर के चोरी छुपके से सब लोग ये सब कर लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारी औरतों को इन्होंने फंसा दिया है। ये मुमरा के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा आपने भी कहीं पे भी मुमरा के लोगों ने ABS कंपनी से कुछ लोन लिया है और सैंक्शन नहीं हुआ है तो प्लीज़ आके आप बताइए और लोगों की हेल्प कीजिए कि ताकि और कोई फंस ना पाए अपने मुमरा में, थाना में, मुंबई में और पूरे इंडिया में भी। इन महिलाओं का आरोप और कहानी सुन लिया है हमने, महिला और नीलोफर पोपटवाला लोन दिलाने वाली एजेंट से इस पूरे मामले में बात किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है और उनके बाद उनके भाई ने क्या विस्तार से बताया है वो भी सुनिए। हेलो हेलो, मैंने आपको एक नंबर सेंड किया है, मैंने भी आपको एक नंबर सेंड किया है, आफ्टर नमाज आप वो नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, बाकी डिटेल्स आपको बता देंगे। कौन है? मेरे भाई है। भाई है आपके? अच्छा, तो आप कुछ नहीं बताएंगे? नहीं भाई, आपसे बात करते हैं, भाई को आप CM कॉल कर लीजिए आप। ठीक है, हाँ मैं इसलिए फोन किया था, वो कल 10-12 लेडीज महिलाएं जो गई थी पुलिस स्टेशन में, 10,000 रुपए नीलो पर मैडम ने, और वो लोन मेरी बहन है, वो सगी बहन है मेरी वो। अच्छा, हाँ उन्होंने जो कंप्लेन किया है मतलब कि हमारा पैसा 10,000 रुपए लिए और जो लोन हुआ नहीं, तो इसके बारे में पूरा क्या कहेंगे आप बताइए। हाँ उसमें ऐसा मसला है ना सर, जो नीलोफर मोहम्मद पोपट वाला है ना, वो एक जगह पे ऑनलाइन क्विकर के थ्रू जॉब पे लगी थी, वो जॉब उसको मिला था ऑनलाइन जहाँ पे उसकी 25,000 सैलरी डन हुई थी, और वहां से वो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह और उसकी आईडी उसको वहां से मेल आ गया था। वहां पर उसने जॉब चालू कर दिया, उसको जॉब की जो गाइडलाइंस मिली वो हिसाब से उसने काम चालू किया, 2 महीने तक का उसने काम किया और उसका टारगेट बेसिस का काम था, टारगेट पूरा करने का उसने वहाँ काम किया। उसका जब 2 महीना हो गया, उसकी सैलरी आने का टाइम हुआ, जब तक का सैलरी आने से 10-15 दिन पहले वो कंपनी के कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी बंद हो गई। अच्छा, जब उसने कॉन्टेक्ट करना चाहा तो कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, तो उसने जितने भी लोगों ने लोन करवाए थे उन लोगों को बताया कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, आगे जो लोन के प्रोसीजर वो लोग तो बता रहे हैं कि कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप लोग। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग वगैरह है हमेशा ग्रुप में, वो जो नीलोफर है वो हमेशा बताती है। 10,000 नहीं है सर,
10,000 नहीं है, पर मेंबर से 10,000 रुपए पर मेंबर पहले 4,200 रुपया लिया गया था जो रजिस्ट्रेशन फीस थी, 4,200 रुपया, और उसके बाद जीएसटी फीस 3,220 रुपया जो जीएसटी भरना पड़ता है, जो जीएसटी कानून का लागू है वो बोल के कंपनी वालों ने वो भरा था। और हालांकि नीलोफर ने साफ साफ ये बात बोल दी थी कि अगर आप आगे प्रोसीजर करोगे जो जीएसटी भरना है, अगर आप भरोगे तो ये आपकी रिस्क होगा क्योंकि कंपनी से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, वो तुम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहे हो, तो उसने बोला था बीच में मेरा कोई इशू नहीं रहेगा, तो तुमने डायरेक्ट कंपनी वाले को तो अभी नहीं पकड़ सकते ना वो लोग, वो लोग तो आपको ही पकड़ेंगे ना, वो नीलोफर उनको पकड़ेंगे तो एम्प्लॉय अगर अगर बैंक भाग जाती है तो एम्प्लॉय लोग तो पैसा नहीं देते ना सर, ये चीज सामना करना चाहिए। तो उन्होंने धमकी दे रहे वहाँ से, नहीं किसी ने धमकी नहीं दिया सर, मैडम धमकी दे रहे, मैं कंप्लेन कर दी, अब देखिए कंप्लेन करेंगे ना सर। देखो अगर कहीं पर भी ऐसा होता है कि कंपनी भाग जाती है और इम्प्लॉय के ऊपर इल्जाम आता है तो कंपनी इल्जाम इम्प्लॉय अपने ऊपर क्यों लेगा काम, अगर बैंक भाग जाती है तो इम्प्लॉय पैसा भरता है क्या कस्टमर्स के, कंपनी फ्रॉड थी भाग गई इसको तो जॉब का लालच देके, कंपनी का नाम है अल्फा बिजनेस करके कंपनी है, अच्छा अल्फा बिजनेस करके कंपनी, अल्फा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी यूके की है, ये कंपनी यूके की अपने आप को बताती थी और अचानक से इसके कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल सब बंद हो गए। अगर अब कंपनी भाग गई तो एम्प्लॉय तो कहीं से भरपाई करके देने के कैपेबल नहीं रहते ना, अगर 60-70 हजार रुपया अगर जो खुद 20,000-15,000 की सैलरी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करता है वो 60-70 हजार कहाँ से भर पाएगा। तो आपने सुना ये पूरी कहानी, कहानी नहीं हकीकत है, लोन तो मिला नहीं, पास से जो कुछ पैसे थे वो भी चले गए। नीलोफर के भाई बता रहे हैं कंपनी अपना नंबर और ईमेल हटा दी है। फिलहाल दोनों पक्ष मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखित में दी है, पुलिस के छानबीन में पता चल सकता है किस तरह का फ्रॉड हुआ है। लेकिन मैं फिर कहूँगा ऐसी बहुत सी कंपनियाँ आई हैं फ्रॉड करके चली गई हैं, फिर भी हमारी आँखें नहीं खुलती हैं, फिर भी फ्रॉड के शिकार हम हो जाते हैं, और इससे आप रहें सावधान। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।